फ्रेंड्स, सीटी स्कैन और एमआरआई को लेकर हमारे पास इतनी सारी क्वेरीज आती है कि सीटी स्कैन क्या होता है, एमआरआई क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में से कौन सा बेहतर है। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने के लिए इस वीडियो को हमने बनाया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। इस वीडियो में आप हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे सेम बॉडी पार्ट की सीटी स्कैन की इमेज और एमआरआई की इमेज, दोनों की क्लैरिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों का ही काम प्रॉपर डायग्नोसिस करना होता है कि व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है। तो आइए जानते हैं सीटी स्कैन क्या होता है। सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफिक स्कैन। सीटी स्कैन एक डोनट शेप की मशीन है, ऐसे डोनट शेप की मशीन है जिसके अंदर वो बॉडी पार्ट जाता है जो एग्जामिन करना है, और जो एक्सरेज है, जैसे एक्सरे मशीन में सीधी पड़ती है, इसमें डायल के थ्रू हर एंगल से एक्सरेज उस बॉडी पार्ट पर पड़ती है और कंप्यूटर की हेल्प से उस बॉडी पार्ट की क्रॉस सेक्शनल इमेजेस बनाती है स्लाइसिस की फॉर्म में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब क्योंकि इसमें हार्मफुल रेडिएशंस यूज होती है, तो चैलेंज ये होती है कम से कम एक्सपोजर में बेहतर से बेहतर क्वालिटी की इमेजेस बना पाए। इसकी कॉस्ट 1200 से शुरू होकर के 4000-5000 तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी पार्ट। और वही अगर हम बात करें एमआरआई की, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैन है जो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसके अंदर वो बॉडी पार्ट डाला जाता है जिसको एग्जामिन करना है, और मैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव और कंप्यूटर की हेल्प से डिटेल इमेजेस ली जाती है। ये प्रोसीजर सेफ है, नॉन इन्वेजिव है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये प्रोसीजर अप्रोक्स 30 मिनट से लेकर 1 आवर तक चलता है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी पार्ट। इसकी कॉस्ट 4-5000 से स्टार्ट होकर के 7-8-9-10 तक चली जाती है। सीटी स्कैन में किसी तरह की कोई प्रिकॉशन नहीं लेनी पड़ती है, आप जाओ जाकर के कराओ। एमआरआई स्कैन कराते समय बहुत सारी प्रिकॉशंस और चीजों का ध्यान रखना होता है। इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप सारी प्रिकॉशन एंड प्रोसीजर डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप नोट करें, सीटी स्कैन ज्यादातर कैल्सिफाइड टिश्यूज के लिए किया जाता है। कैल्सिफाइड में आगे आपकी बोनी जो स्ट्रक्चर होते हैं उनमें प्रेफरेबल होता है, और एमआरआई स्कैन सॉफ्ट टिश्यूज के केस में प्रेफरेबल है। सॉफ्ट टिश्यू में आ जाते हैं आपके नर्व, ब्लड वेसल जिसमें आर्टरी एंड वीन दोनों आ जाते हैं, टेंडन हो जाता है, लिगामेंट हो जाता है, जो हैंड्स के बीच में, जैसे दो बोन्स के बीच में जो लिगामेंट होता है उसकी डिटेल स्टडी करनी हो, नी के केस में मेनिस्कल इंजरी कोई हो गई है उन केसेस में, या फिर स्पाइन के केसेस में, ब्रेन के केसेस में एमआरआई को प्रेफर किया जाता है। अब आप बोलेंगे ब्रेन के केस में भी सीटी स्कैन किया जाता है और एमआरआई भी, तो कौन से केसेस में कौन सा किया जाए। अगेन यहाँ पर मैं रिपीट करूंगी कि आपकी अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या है। अगर वो बोन से रिलेटेड है ब्रेन में और आपके स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज है, तो यू कैन गो फॉर सीटी स्कैन। लेकिन अगर आपको डिटेल इमेजेस चाहिए तो आप एमआरआई के लिए जाए, उसमें क्लियर पिक्चर पता चलती है, एकदम प्रॉपरली डायग्नोस्टिक अच्छे से हो जाता है। देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रहा है, सेम लंबर स्पाइन जो है, लंबर स्पाइन मतलब जो बैक की ये जो आप इमेज देख रहे हैं, सीटी स्कैन में इतनी बेहतर क्वालिटी की आपको नजर नहीं आ रही है, लेकिन एमआरआई के केस में आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर नजर आ रही है, डायग्नोसिस थोड़ा और बेहतर तरीके से हो सकता है। यही आप देखिए, सीटी स्कैन ब्रेन और एमआरआई ब्रेन दोनों की इमेजेस को अगर आप कंपेयर करते हैं, तो देखिए सीटी स्कैन जो ब्रेन का आपको इमेजेस प्रोड्यूस करके दे रहा है वो इतनी क्लियर नहीं है। ये देख रहे हैं एमआरआई में साइडों से भी और अंदर के डिटेल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिए जा रहे हैं, डायग्नोसिस बहुत इजी हो जाता है। देखिए, आपने जान लिया, समझ लिया सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या फर्क है, लेकिन फिर भी हम आपको कहेंगे कि डॉक्टर की सलाह के साथ जरूर जाए, उनसे पूछना ना भूले कि रिस्क ऑफ एक्सपोजर क्या है और मेरे लिए कौन सा बेहतर रहेगा, क्योंकि सही इलाज के लिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, बाय बाय।